को दो मंत्र का जाप मिलेगा, वो सतनाम बनेगा, और उस सतनाम के बिना सारनाम नहीं मिला, और सारनाम नहीं मिला तो सतनाम व्यर्थ। इसलिए बता रहे हैं कि पूरी, जैसे भी हैंडपंप लगा रहा है कोई, हैंडपंप लगाना है तो बोकी मारो, ये सतनाम तो बोकी लगेगी, और जब पानी तक पहुंच जाओगे तो उस पर मशीन बंधेगी, वो सारनाम होगा, और उससे जो चीज निकलेगी वो सार, वो शब्द होगा, सार शब्द होगा। अब जब तक वो बोकी सही नहीं लग लेगी, सतनाम की कमाई आपकी उस दो मंत्र की, ओम और तत् मंत्र की कमाई नहीं हो लेगी, इतने सत, वो तीसरा शब्द वो नहीं मिला आपने। और ये दास इसी गलती करे नहीं कि जब तक आप पानी, मिस्त्री होता है, पानी तक बोकी पहुंच जाएगी ना, और वो ऐसे देखा करे कहा बात बन गया, तो मशीन बांध देगा ऊपर की, लगाएगा मशीन जो ऊपर वाली हैंडपम्प की, जो ऐसे करके चलाते हैं, और फिर वो जल निकलेगा। और कोई कहेगा जल्दी सी, मालिक कहेगा भाई जल्दी बांध दे मशीन, बहुत देर लगा दी तूने, मिस्त्री नहीं बांध देना भाई, अब नहीं बन सकती, अभी तो पहुंचे नहीं वहां तक, कैसे बांध देंगे, गारा निकल नहीं सकती इस तरह। तो ऐसे ये तीसरा नाम दास अपनी इच्छा से देगा, और ये दोनों मंत्र आपको समय पर मिलेंगे। 4 महीने तक तो पहला मंत्र जो यहाँ तक आपको बिल्कुल सब कमलों को खोल देगा, और दूसरा मंत्र सतनाम होगा, जिसमें एक मंत्र ओम इस ब्रह्म का, और एक तत् मंत्र उस दूसरे भगवान का, परब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। तो ऐसे ये पूरी जो क्रिया वहां तक आपकी क्लियर हो जाएगी, तब ये सार नाम मिलेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।